फिल्म बहुत ही डिफरेंट है और मेरे अपने कैरेक्टर्स जो मेरी पर्सनालिटी है उससे बड़ा डिफरेंट कैरेक्टर है जॉन। इसमें क्राइम है, इसमें थ्रिलर है, रोमांस है, और आई थिंक बड़ी रियल फिल्म है अगर मैं एक लफ्ज में रियल कराऊँ कि रोमांस भी इसका बड़ा रियल है, क्राइम भी बड़ा रियल है, तो आई थिंक लोगों को कुछ और डिफरेंट एक मिलेगा। मतलब कि मिडिल क्लास एरिया दिखाया गया उसके अंदर, आप मतलब कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से उसको दिखाया गया, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस था? क्योंकि रुनैसा के साथ आपने काम किया फर्स्ट टाइम, उसने भी फर्स्ट टाइम किया होगा आई थिंक, तो कैसा आपका जोंगरा था, कैसे पैच आपका होता है मूवी के अंदर, थोड़ा सा हमें रिवील करें जरा। सर बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। हमने जिस तरह शूट किया है, स्टोरी भी बड़ी मुख्तलिफ है और बिल्कुल हमें कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें एहतियात से भी बड़ा चले हैं। बिल्कुल और हम ऐसा कमाल की अदाकार हैं, मेरी दोस्त भी बहुत अच्छी है, हमें बड़ा मज़ा आया सेट पे, एंड आई थिंक रोमेसा और मेरी एक जो बड़ी मज़ेदार सी केमिस्ट्री आई है वो आई होप लोगों को भी पसंद आए सिनेमा स्क्रीन पे। अच्छा, सलीम राज जो जो कि एक हमारे बड़े ही लेजेंड एक्टर हैं, बड़े सीनियर एक्टर हैं, तो वो काफ़ी चीज़ें आपको मतलब के सेट के ऊपर बताते भी रहे होंगे, समझाते भी रहे होंगे, कोई ऐसा जो उनके साथ काम करते हुए कोई ऐसा एक लम्हा आया हो, एक पॉइंट आया हो जिसके ऊपर उन्होंने आपको कुछ गाइड किया हो? सर मेरा ख्याल है पूरी फिल्म में ही गाइड किया था उन्होंने, बट बहुत जगहों पे ऐसा था जहाँ ऐसा एक दो बार हुआ है जहाँ उनको पता था कि बड़ा मुश्किल सीन है और उन्होंने बड़ा हेल्प किया मुझे उनमें, और उनकी तो शाबाशी ही अगर मुझे मिल जाती थी तो मेरे लिए बड़ी बात थी, तो आई बिल्कुल थिंक उसके ज़रिए उन्होंने भी बड़ी मेरी मदद की है। रजा ने भी इसके अंदर काम किया है। रजा आपको जो है क्राइम पार्टनर के तौर पे आई थिंक मिला है वहाँ पे मूवी में, बिल्कुल तो उसके साथ कैसा एक्सपीरियंस था? रजा भी एक बड़ा एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी है और एक बड़ा पुराना यूट्यूबर है, मतलब कि पाकिस्तान के जितने भी पहले यूट्यूबर्स टॉप 10 थे उनके अंदर वो शामिल है, जैसे डकी भाई है, कराची के आपके जो हैं वो दूसरे और भी लोग हैं, बिल्कुल। तो रजा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रजा का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन था रजा की, इस मूवी में था तो मुझे बहुत खुशी थी। और रजा एक्चुअली में ये लोगों को अभी पता नहीं है या पता भी हो शायद, लेकिन कमाल का एक्टर है और इस मूवी में आई थिंक सबसे मजे का रोल रजा का है, तो उसके साथ तो काम करके मजा आया रजा बहुत। आपको क्या सपोर्ट कर रहा है मूवी में, क्या आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको किस चीज के लिए? रजा मेरे अच्छा बड़े कम सीन है मूवीज में, लेकिन अगेन रजा का कैरेक्टर मूवी में बिल्कुल ही एक मुंहफट किस्म का आदमी है, जॉन बिल्कुल मासूम है, तो वो सीन्स ही बड़े मजे के आए हैं कि वो एक दो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं बिल्कुल सीन में। इसमें थोड़ा सा वो बैग वैग भी वर्क भी जो है वो ट्रेलर में हमने देखा है यूज हुए हैं, तो ये क्या समझते हैं ऑडियंस जो देखने वाली है उनके ऊपर ये असरअंदाज होते हैं? सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बट हमने आई थिंक मेजॉरिटी चीज़ें जो हैं वो म्यूट कर दी हैं या सेंसर कर दी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर फैमिलीज भी देखनी आती है मूवी। उसके अलावा आई डोंट थिंक ऐसी कोई भी चीज़ है जो किसी भी बंदे को अनकंफर्टेबल करे सिनेमा में, बाकी हमने बड़ा एहतियात रखा है, जो कुछ चीज़ें हैं भी वो म्यूट कर दी हैं। अच्छा, मगर कराची के सेंसर बोर्ड ने ये मूवी अभी तक देखी है या नहीं? मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में, लेकिन मुझे ये पता है कि इस्लामाबाद के सेंसर बोर्ड ने देख ली है और उनको कोई एतराज़ नहीं था, और आई डोंट थिंक ऐसी कोई चीज़ इसमें है भी जिसमें कोई एतराज़ हो। बिल्कुल। अच्छा, तो क्या समझते हैं आप, एक न्यू फेस आपका मूवी के अंदर एक यंग टैलेंट दिखाया गया है, सारे मतलब तकरीबन जितने भी मेन करेक्टर हैं सारे यूथ हैं, तो क्या समझते हैं यूथ जो नई मूवीज की तरफ आ रही है, पाकिस्तानी सिनेमा की तरफ आ रही है, उसको क्या करना चाहिए और वो कैसे काम करे पुराने लोगों को देख के? सर यूथ बहुत अच्छे अच्छे अदाकार आ रहे हैं इंडस्ट्री में कमाल के, और उनकी ऑडियंस भी बड़ी ज़बरदस्त बन रही है। आई थिंक एक यंग स्टोरी दिखाने के लिए यंग एक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं, और इस फिल्म में भी ऐसा ही है कि हम सब बड़े यंग हैं, एंड आई थिंक वो चीज़ शायद कनेक्ट करे ऑडियंसिस के साथ। क्या आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे मूवी के बारे में? ऑडियंस को मैं यही मैसेज दूंगा कि एक बड़ी डिफरेंट सी हमने एक चीज़ कोशिश की है, आप लोगों को एक बड़ा डिफरेंट फ्लेवर देखने को मिलेगा सिनेमा में, तो 14 जुलाई को आप जाएं और जॉन देखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।